ये शाही सड़क वाले मामूली गली की अली को अंदर तो जाने देंगे नहीं। लगता है अब रखवाले के आने का वक्त हो गया है। अब ताले के दफ्तर में रखवाले को भी नहीं जाने देंगे। छलावा ही एक रास्ता है। ऐदलिस्मान कर कमाल और बना छलावा। ये आदमी दिखे सबको शोख हसीना, दिखते ही सबको जिसका छूटे पसीना। ऐदलिस्मान दिखा अपना कमाल, जो सुने इस शोख हसीना की आवाज सब पीछे जाए उसके। दफ्तर में कोई ना रुके आज। सलाम। मोहतरमा, आपके हाथ तो बहुत ही मुलायम है। क्या गुस्ताखी है? जब तक इनका मसला सुलझेगा मैं दफ्तर की छानबीन करता हूँ। सद्दाम और 40 चोरों से लड़ने के लिए हमें रखवाले का साथ चाहिए। वो भी तो काबुल की आवाम और अमन के लिए लड़ रहे हैं। जब रखवाले और हमारा मकसद ही एक है तो हम क्यों नहीं एक हो सकते? पोया, 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 हमें आपकी मदद चाहिए। हमें रखवाले से बात करनी है। और एक आप ही हैं जो रखवाले से बात कर सकते हैं। जी ना पा, अब आपको क्यों मिलना है रखवाले से? अब वो परवाज के लोगों को रखवाले से मदद चाहिए, बहुत जरूरी है पोया। इतना सब नहीं है रखवाले से बात करना, ध्यान लगाना पड़ता है, दिमाग थक जाता है, शरीर ढीला पड़ने लगता है। उसकी भरपाई के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम अभी ले आते हैं। नान, चाप, बिरयानी, कोफ्ते, चलपक, और जिससे भी काम ना चले तो बुलानी, शीरिया। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको जो कुछ भी चाहिए हम आपके लिए लेके आएंगे। नफी, आप चलिए हमारे साथ। बास की परछाई तो सिर्फ मेज पर पड़ रही है, इसका मतलब 40 चोरों को मारने का राज इसी मेज में है। अब ताले की पूरी मेज छान मारी, यहां पे कोई सुराग नहीं मिला। इस मेज पे तो ऐसा कुछ नहीं जो अपन ने छुपाया हो। परछाई तो लेकिन मेज पे ही पड़ रही है।
या अल्लाह, ये बिच्छू कहाँ से आ गए? शम्स हबीब, बिच्छू कैसे आए कमरे में? सफाई नहीं कर रहे ठीक से, किसी को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। बिच्छू कहाँ से आ गए कमरे में? इसमें तो कुछ नहीं है। क्या पता अब के वक्त में ये मेज यहां पे रही ना हो। क्या पता ये मेज बास की परछाई को उसकी जगह पे जाने से रोक रही हो। जमीन में से इतनी खोखली आवाज क्यों आ रही है? कहीं इसके नीचे कुछ है तो नहीं? तो यहां है राज। शीशा, कुछ समझ में नहीं आया। ये 40 चोरों को मारेगा या इसके अंदर तरकीब छुपी है 40 चोरों को मारने की? क्या तो थोड़ी तो राह आसान बना दे। तुम्हारा सुल्तान सद्दाम हमसे भागने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं तू अभी तक काबुल शाही में ही छिपा हुआ है। हमसे बचकर भागना नामुमकिन है, क्योंकि काबुल शाही में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम नहीं। अब से काबुल शाही 40 चोरों का है, और जिस किसी ने भी उसे छिपाने की कोशिश की तो उसकी खाल निकाल के लटका दिया जाएगा। नकली सुल्तान सद्दाम को तो कब का मार देना चाहिए था। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ये 40 चोर उसे जल्द से जल्द पकड़े और दर्दनाक मौत दे जालिम को। धोखेबाज, जालसाज, मक्कार, बुजदिल, बजात कहीं का, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उसकी चीखें ना पूरे काबुल में गूंजनी चाहिए। कुछ भी बकवास किए जा रहा है। हम हैं सद्दाम तुम्हारे आका। आका होगा तेरा। नया है क्या? लगता है अभी तेरा उससे पाला नहीं पड़ा है। हम गरीब लोग उसे अपना आका नहीं मानते। कमजर जब से सुल्तान बना है हम गरीबों की गरीबी और बढ़ गई। रहम करे, सद्दाम यहाँ नहीं मिलेगा। हमें बख्श दीजिए, इसके तो हाथ भी काम नहीं करते। इनको देखिए, इनका तो पूरा शरीर ही काम नहीं करता है। चालीस चोर मुझे जल्दी ढूंढ कर मार डालेंगे। मुझे कुछ करना होगा।
मुझे किसी महफूज जगह में जाना होगा, काबुल से दूर। बरकमबख्त ऐसी कौन सी जगह होगी जो इन 40 चोरों से महफूज हो? इस महत्तम शीशे में कैसे मिलेगा 40 चोरों को मारने का सुराग? अरे बहलूल मियां, ऐसी कुप्पी से तो हम अपनी रसोई में तेल निकाला करते थे, और तुम इसमें गेहूं छान रहे हो। इतनी बेवकूफी का काम क्यों कर रहे हो? मैं किसी भी चीज का कैसे इस्तेमाल करूंगा ये मेरा हक है, इसमें बेवकूफी की क्या बात है? जब तुम कंघे से अपनी पीठ खुजाते हो जबरूत मियां, तो ये कौन सी बात हुई? वैसे ही कोई चीज किसी एक काम के लिए बनाई गई हो तो क्या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? हो सकता है इस महत्तम शीशे का मतलब कुछ और हो, कहीं सुराग किसी के अंदर तो नहीं छुपा हुआ, पर कहां? ये तो शीशे, सुराग लिखा क्या है? ये बहुत बारीक लिखावट है, पढ़ने में नहीं आ रहा। जमीन, पानी, पैंचदार निशान। जमीन, पानी, पैंचदार निशान, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये निशान जरूर किसी जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये क्या मतलब हो सकता है? जमीन, पानी, पानी के अंदर जमीन या जमीन के नीचे पानी, और ये पैचेदार निशान क्या है? क्या मायने है सुराग के? ये तो बर्बाद की झील है, पहाड़ों के पास वाली, लेकिन ये तो वही झील है जहां मैं अबू के साथ में बचपन में जाता था। शुक्र है कम से कम ये तो पता चला अब जाना कहां है। अब आगे की राह वही मिलेगी झील के पास। जो कमाल कहना रफाली ने उसे मुबारक बात दे रहा था, क्या और भी कोई दुश्मन हमारे परिवार में आ ही नहीं सकता। रखवाले जैसा और कोई है ही नहीं। बोया, रखवाले ने हमसे मिलने की कोई बात की? रखवाले, रखवाले, मेरे पास आ रही है। बताएगा रखवाला, सब बताएगा। सबका आने वाला वक्त उनके लिए क्या लाएगा ये बताएगा, किसका क्या होने वाला है ये भी बताएगा, कौन किसका होने वाला है ये भी बताएगा, लेकिन सिर्फ मुझे बताएगा। तो दिल में मत रखो, पूछो अपने जो जो सवाल है पूछो। कमाल हो गया, बाजार में दरीबा भाईजान रखवाले से बात कर रहे हैं, उनकी आवाज सुन पा रहे। क्या? क्या मतलब वो, तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम रखवाले से बात कर सकते हो? अरे कैसे मुमकिन नहीं है, वो दरीबा भाईजान बात कर रहे हैं ना रखवाली से। अरे दरीबा भाईजान रखवाली से बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रखवाली से मुझसे ही बात कर सकते हैं। ये बाबा ने मुझे राज बताया।
ओया सच सच बताइए, ये राज आपको अली ने बताया? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? कहीं अली नहीं, 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 नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे बाबा ने बताया कि रखवाली की आवाज सिर्फ मुझे ही आ सकती है। ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे ही सुने से नवाजा है, इसलिए मैं रखवाली से बात कर सकता हूँ। और अगर यकीन नहीं हो रहे ना तो बाल चाल के देखते हैं तारी बाबा जन कौन से रखवाली के साथ बात कर रहे। चलिए। हमारा रखवाले से मिलना बहुत जरूरी है, न जाने सद्दाम और चालीस चोर कौन से हमले की तैयारी कर रहा है। तो यही मौका है, पूछ लो अपने अपने सवाल, पूछो। तुम पूछो क्या सवाल है। 40 चोरों ने जो मेरे खानदान का सोना लूटा था, क्या वो मुझे वापस मिल जाएगा? चालीस चोरों ने जो इस गरीब का सामान लूटा है, कैसे वापस मिलेगा? मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले अपने काम ना आने वाली चीजों को गरीबों में बांट दो। हाँ बांट दूंगा, बांट दूंगा। अरे नहीं नहीं, उसका मैं क्या करूंगा। अच्छा और ये जो तुमने पहना है, ये तो पूछो अपने सवाल, पूछो। एक एक करके। जबरू चाचा पूछिए। जरा जरा हमारे आने वाले वक्त के बारे में भी बताइए। रखवाले से पूछकर हमारे नसीब में क्या चल रहा है? अरे चाचा अभी लीजिए, अभी पूछ देता हूँ। चाचा रखवाला कह रहा है कि आपको अपनी बकरियों का दूध एक हफ्ते के लिए मुझे ही देना है। दिया। तो बताओ रखवाले, हमारे जबरूट चाचा की तकदीर में क्या लिखा? वाह दरीबा भाईजान, आप भी मेरी तरह हवा से बातें करते हो। वाह ये तो कमाल हो गया। बताओ ना, रखवाला कह रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक खूबसूरत कमसिन माशूका आने वाली है। चाचा को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? होश में आओ, मैं अभी यही हूँ। अल्लाह माशूका। पूछिए अपने सवाल, पूछिए। और किसके सवाल हैं? पूछिए। हाँ हाँ सबसे जवाब मिलेगा, रुको रुको। करीबा भाईजान जबरू चाचा के मजे ले रहे, आज शायद वाले खुद लूटने को तैयार है। यहाँ सब नौटंकी चल रही है। नफी तू भूल गया, जमात करने में सिर्फ मैं ही बात कर पा रहा था रखवाले से। शहजादी, काबुल शाही के लोगों ने हमारे लिए एक बाज भेजा है। 40 चोरों ने काबुल शाही पर कब्जा कर लिया है और सद्दाम फरार है। क्या सद्दाम फरार है? लगता है सद्दाम और 40 चोरों की दोस्ती टूट गई है। अब हमें किसी भी कीमत पर रखवाले का साथ चाहिए, यही सही वक्त है वार करने का। शुक्रिया जी। बोया, आप सच में रखवाले से बात कर सकते हैं ना? अगर दरीबा झूठ बोल रहा है और आपकी बात सच है तो इसी वक्त रखवाले से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वो कहाँ पर है। पूछिए ना। रखवाला भी लाल गली के पीछे वाली गली पे। सच में रखवाले से बात कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ हवाई तीर चला रहा था, मेरे पास सच कैसे हो गई?